हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिल्पा सिलाई सेंटर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं चूनदार पेटीकोट कैसे कटिंग और सिलाई किया जाता है इसके बारे में। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है जो हम लंबाई में डबल फोल्ड किया हूँ। आप देख सकते हैं डबल फोल्ड है। अब इस हमारा कमर है 2.5 इंच, कमर की पट्टी निकालेंगे इसमें से 2.5 इंच, तो हम 3 इंच लेंगे, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे यहाँ से और फिर मापेंगे 3 इंच। यहाँ 3 इंच आ गया। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं कमर की पट्टी निकल चुकी। अब हम डोरी का कपड़ा निकालेंगे। तो लंबाई में हम सिंगल फोल्ड करेंगे, इसमें लगभग 1 इंच से 1.5 इंच हम कटिंग करके डोरी का कपड़ा निकाल लेंगे। आप कटिंग भी कर सकते हैं, हम फाड़ रहे हैं इसको, फाड़ कर ऐसे निकाल लिए। ये हो गया हमारा डोरी की पट्टी। अब हम पूरे लेंथ में ऐसे चून बना के सिलाई कर देंगे। ऐसे चून बना लेंगे और उसके बाद कमर की जो हमने पट्टी निकाली थी उसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे इस तरह। ध्यान रहे, जितना कमर की कपड़ा है उतना ही ये चून बैठाकर पूरे लेंथ कमर के बराबर ही आए। इसी हिसाब से चून बनानी है कि कमर के बराबर आ जाए। अब हम चौड़ाई में यहाँ एक सिरे पे तिरछा ऐसे मोड़कर डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई चला देंगे। दोनों किनारे पे ऐसे ही सिलाई चलाएंगे, जिधर से हम चून बनाएंगे उधर से ही सिलाई चलाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं ये तिरछा हो गया। अब ऐसे ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, नीचे बिल्कुल आकर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे थोड़े दूर चलाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 3 से 4 इंच। आप देख सकते हैं इसी तरह दूसरे किनारे पे भी हम, ये हो गया, इसी तरह हम दूसरे किनारे पे भी इसी तरह डबल फोल्ड करके तिरछी चला देंगे सिलाई। आप देख सकते हैं जिधर किनारा हमने फोल्ड किया था उधर से चून बैठाना शुरू करेंगे। चून उसी हिसाब से बैठाएंगे, कमर के कपड़े जितना काटा था उसी हिसाब से हम नाप नाप कर बैठाएंगे और पूरे लेंथ में चून बैठाएंगे। लगभग 1 से 1.5 इंची पे चून बैठाएंगे। आप देख सकते होंगे हमने चून इतना बैठा दिया। अब दाढ़ी कमर के कपड़े को हम फिर मापेंगे और फिर चून बैठाएंगे कमर के कपड़े से। अधिक ये पूरे लेंथ ना हो चून हमारा, बिल्कुल कमर का कपड़ा जितना हमने कटा था उसी हिसाब से उतना ही बिल्कुल ये चून भी हमारा आए। तो इस तरह हम माप कर फिर से हम माप लेते हैं। माप कर हम चून बैठाएंगे। आप देख सकते हैं फिर चून बैठाएंगे। चून लगभग 1 से 1.5 इंची की होनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं। आप देख सकते हैं हमारा चून बैठ चुका है। अब हम कमर के कपड़े से ऐसे किनारे से पकड़ के बिल्कुल बराबर से माप लेंगे कि हमारा चून कमर के कपड़े के बराबर हुआ है या नहीं। इस तरह ये पूरे लेंथ में चून आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब हम चून के ऊपर ऐसे कमर के जो कपड़ा काटा था इस बिल्कुल बराबर ऐसे किनारे पर रख के हमने चून पर जहाँ सिलाई चलाया था उस पर हम ऐसे चला देंगे सिलाई। इस तरह चून के ऊपर कमर के कपड़े को हम रख के ऐसे किनारे पर सिलाई चलाएंगे। जो हमने चून पे सिलाई चलाया था उसके साथ ही सिलाई ये भी चलेगा, ताकि कमर का कपड़ा जब हम ऊपर फोल्ड करें तो चून वाली सिलाई बाहर दिखनी नहीं चाहिए, उसी हिसाब से सिलाई होगी। और चून को सही से करके सिलाई चलाएंगे तो चून दब भी जाता है अंदर। इस तरह
अब इसको लास्ट में कमर के कपड़े और चून के कपड़े जो है बराबर करके सिलाई कर देंगे। अब हम कपड़े को बैक साइड करेंगे, इसको पलट कर बैक साइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिधर हमारा, अब इसको ऐसे कमर के कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे एक एक फोल्ड, और इसके जहाँ पे हमने सिलाई चलाया था चून वाला वहाँ पे बिल्कुल इसको रख के ऐसे फिर इस पर हम सिलाई चलाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल उसी सिलाई पे होगा ताकि हमारा सिलाई बाहर ना दिखाई दे, अंदर दब जाए। ऐसे कमर के ऊपर जहाँ पे हमारा चून वाली सिलाई हुई थी, कमर के कपड़े का किनारा थोड़ा फोल्ड करके बिल्कुल उसी सिलाई पे चलाएंगे। इस तरह चून को सही करके फिर सिलाई चलाएंगे, नहीं तो चून इधर उधर दब जाएगा। इस तरह पूरी सिलाई चला लेंगे। उसके बाद एक सिलाई उस पर और हम बॉर्डर बनाएंगे चलाकर, इसके साथ ही चलाएंगे बिल्कुल। तो ये लास्ट में हम इसको बराबर कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा बड़ा छोटा ना हो, बीच में एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह बराबर करके इस सिलाई को चला देंगे। हम उसी कमर पे डबल सिलाई कर रहे हैं, इसकी बॉर्डर बना रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह हम उसके नज़दीक ही बिल्कुल एक और सिलाई चलाते हैं डबल, तो हमारा पकड़ भी अच्छा हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम इसके नीचे की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास पुराना पेटीकोट है जिसका नाप है, उसको नाप से हम इसको माप लेंगे। इसके कमर से बिल्कुल सिधाई ऐसे ऐसे माप ले आप भी, इस तरह माप कर आप देख सकते हैं यहाँ पे आया। यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे, इस तरह फोल्ड करके इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तब हमारा पट्टी बनेगा इसका। देख सकते हैं यहाँ पे आया हमारा, अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह। इस तरह डबल फोल्ड करके इसके किनारे पे हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह हम किनारे पे सिलाई चला देंगे। इस तरह सिलाई चला लेंगे। अब हम दोनों सिरे को एक साथ फिर करके मिला लेंगे, इस तरह मिला लेंगे ताकि हमारा दोनों पला बड़ा छोटा ना हो, और इसी जगह से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमारा दोनों सिरा बिल्कुल बराबर होगा, इस तरह बड़ा छोटा होने का चांस नहीं रहता है। अब उसको उसी तरह हम पकड़ के जहाँ पे आया था मेरा, पकड़ के इसको हम फिर से सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल मेरा उस जितना पहला सिरा है उतना सिरा ये भी आएगा। तो इस तरह सिलाई चला दें, आप देख सकते हैं पट्टी पे हम डबल सिलाई चलाएंगे, फिर देखने में अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में जैसे हमने कमर पे चलाया था वैसे ही इस पट्टी पे भी नीचे हम ऐसे डबल सिलाई चला देंगे। तो ये बिल्कुल बैठ भी जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल जहाँ हमने सिलाई चलाया था उसके थोड़े से दूर हम सिलाई चला देंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। दोनों कमर के सिरे को हम ऐसे पकड़ के, आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 4 इंची हम छोड़ देंगे। यहाँ ये डोरी बांधने के लिए आसानी होता है, यहाँ पे हम इसको सिलाई से ही बांध देंगे पहले, और यहाँ से हम फिटिंग करना शुरू करेंगे। इसको एक दो बार सिलाई चलाकर बांध दें यहाँ पे, और फिर सिलाई
अब हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई चलाएंगे। दोनों कपड़े को बराबर कर लें और दोनों सिरे को भी बराबर करके इस तरह फिर इसको सिलाई चलाएं ताकि बड़ा छोटा ना हो। इस पर हम डबल सिलाई चलाएंगे फिर ताकि ये मजबूत रहेगा। हम फिर इसको वहीं से फिर सिलाई चलाएंगे ऐसे डबल। फिर यहाँ हम इसको बांध देंगे। अब ये पेटीकोट बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चुनदार पेटीकोट हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और साथ ही लाइक भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।